दिल्ली वालों के बीच सीपी नाम से फेमस कनॉट प्लेस शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। कनॉट प्लेस को हार्ट ऑफ दिल्ली भी कहते हैं। कनॉट प्लेस को ब्रिटिशर्स ने बनाया था। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1929 में और ये बनकर तैयार हो गया था 1933 में। कनॉट प्लेस की खासियत है यहाँ की जॉर्फियन आर्किटेक्चर और ये बड़े सफेद पिलर्स। कनॉट प्लेस को दिल्ली के किसी भी मैप में आसानी से पहचाना जा सकता है। ये बहुत बड़ा सर्कल है जिसका सरकमफ्रेंस 2 किलोमीटर का है। कनॉट प्लेस इनर सर्कल और आउटर सर्कल में डिवाइड है। दोनों सर्कल में 6-6 ब्लॉक हैं। इनर सर्कल में ए ब्लॉक से लेकर एफ तक और आउटर सर्कल में जी ब्लॉक से लेकर एन तक। अगर आप यहाँ रेगुलर नहीं आते हैं और आपको यहाँ के ब्लॉक्स की लोकेशन का अच्छे से अंदाजा नहीं है तो आपका यहाँ पे आके भटकना फिक्स है। कनॉट प्लेस में 4 बहुत ही पुराने थिएटर्स हैं जिनका नाम है प्लाजा, रीगल, रिवोली और ओडियन, और इनमें से आज भी 3 थिएटर्स चल रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉपिंग प्लेसेस और ईटेबल रेस्टोरेंट्स अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे कनॉट प्लेस में। इंडिया में मिलने वाले सभी बड़े ब्रांड्स के शोरूम यहाँ पर है, जिसमें कि बैंक्स, आर्ट गैलरी, एंटीक शॉप्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिक स्टोर्स और बुक शॉप्स और भी बाकी बहुत तरह की शॉप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। कनॉट प्लेस के बीच में बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है 260 फीट के ऊपर लहरा रहा तिरंगा झंडा। ऐसा नहीं है कि कनॉट प्लेस अपने बड़े शोरूम्स की वजह से फेमस है। कनॉट प्लेस पालिका बाजार और स्ट्रीट मार्केट के बिना अधूरा है। कनॉट प्लेस पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा मेट्रो का यूज किया जाता है। ब्लू लाइन या येलो लाइन लेके आप सीधा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन तक आ सकते हैं, और अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ हर ब्लॉक के सामने पेड पार्किंग बनाई है, तो आप यहाँ पे अपनी पार्किंग बड़ी इजिली कर सकते हो।